अस्सलामुअलैकुम। आज हम मास ऑफ द अर्थ ड्राइव करने जा रहे हैं कि अर्थ में जिसमें हम रहते हैं उसका मास कितना है। अब हम आज वो ड्राइव करेंगे, तो कर लेते हैं ड्राइव मास ऑफ द अर्थ को। ये है हमारे पास पेज नंबर 115 पे, मतलब 115 पे है बुक के, ठीक है। तो क्या करना है, द मास ऑफ द अर्थ मे बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कि मास ऑफ द अर्थ क्या है, हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं किसके ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ को ड्राइव कर सकते हैं। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ क्या करती है, अर्थ जो है तमाम बॉडीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। क्या है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो अर्थ क्या करती है, उसे अपनी तरफ सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या है, अब हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम एक मास एम को कंसिडर कर लेते हैं, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, जो कि अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, सही। इफ़ एम ई बी द मास ऑफ द अर्थ, एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की वजह से यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। जो एम ई है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, एंड आर ई इट्स रेडियस, और ये क्या है, उसका रेडियस है। देन द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज गिवन बाय इक्वेशन। तब क्या होगा कि वो फोर्स जिससे जो है वो ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मास को अपनी तरफ खींच रही होगी, वो फोर्स होगी ये। क्योंकि अभी हमने जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि इस कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करता है वो उन दोनों फोर्सेस की जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसको यहाँ समझ लेते हैं, समझे आप, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर हमने कोई भी एक मास रख दिया है। अर्थ का कुछ ना कुछ कोई जो है मास होगा, उसे हम कह देते हैं एम ई, ठीक है, एम ई। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका भी कोई ना कोई मास होगा, उसे हम कह देते हैं एम, सही। अब क्या होता है, अर्थ क्या करती है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को, हर किसी को क्या करती है, अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब है यकीनन ये जो ऑब्जेक्ट जो कुछ भी रखा है, अर्थ इसको भी क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जो ये चीज़ होगा, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया अर्थ का। तो ये क्या हो जाएगा, आर और ई, ई यहाँ पे अर्थ की वजह से आया, ठीक है, ये हो गया है इसका रेडियस। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमने रेडियस कंसीडर किया है, क्यों, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये बहुत छोटा सा है, बहुत मिनिमम है, ऐसा ही है कि अगर हम इसका रेडियस कोई भी ले लें तो वो ना होने के बराबर ही कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई कहे कि भाई ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी कोई ना कोई रेडियस होगा, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़मीन जो है बहुत बड़ी है और जो भी कोई हमने ऑब्जेक्ट वहाँ रखा है वो छोटा है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि हम गए हैं पानी की जगह, मतलब लाइक सी व्यू, ठीक है, मैं गई हूँ सी व्यू गई हूँ, वहाँ कितना पानी है, सही, ज़्यादा पानी है ना वहाँ पे। अगर मैं क्या करूँ, अपने घर से जो है एक बाल्टी पानी लेके गई थी, अब मैंने क्या किया, वहाँ समंदर पे जाके मैंने वो जो एक बाल्टी पानी है वो मैंने उसके अंदर डाला, तो क्या उस पानी पे कोई फ़र्क पड़ा या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा है और जो पानी हम लेके गए हैं, एक बाल्टी या दो बाल्टी या दस बाल्टी जो भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर, ऐसा ही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये समझें कि ये जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है और जो मास हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, कि उसका जो रेडियस अगर हम इसके अंदर ऐड भी करते तो वो ना होने के बराबर होगा, ठीक है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर हम सिर्फ वही रेडियस लेंगे जो सिर्फ किसका होगा, जो अर्थ का होगा। लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम क्या करते थे कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान का हम डिस्टेंस कंसिडर किया करते थे, लेकिन ये तो ना होने के बराबर है, बहुत छोटा या मिनिमम है। तो इस वजह से जो हम रेडियस यहाँ कंसिडर करेंगे वो होगा जो सिर्फ अर्थ का रेडियस होगा, ओके। तो क्या है कि यहाँ पर भी जो है हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के हर इस कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये बात हमें मालूम है कि अर्थ क्या करती है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो एक मास तो हो गया हमारे पास वो जो हमने यहाँ अर्थ की सरफेस पे रखा है, दूसरा मास किसका हो गया, अर्थ का हो गया। और यहाँ पे इसकी रेडियस भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, रेडियस क्या है, आर ई। तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये मैं यहाँ पे लिखूँगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मतलब उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पता है कि क्या है, एफ इक्वल होता है जी एम वन
एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यही कहता है के एफ इक्वल होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम वन की जगह हम जो है एम लिख देंगे और एम टू की जगह हम क्या लिखेंगे एम ई लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो मास वन है वो एम है और जो मास टू है वो हमारा क्या है एम ई है, और जो यहाँ पे आर है वो हमारा क्या हो जाएगा आर ही हो जाएगा। ओके, तो एफ इक्वल हो जाएगा जी एम वन की जगह मैं लिखूँगी एम और एम टू की जगह मैं लिखूँगी एम ई, ठीक है, ये ई ना इसके नीचे छोटा सा, ये हो जाएगा अपॉन में आर ई स्क्वायर। जी यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एम जो है एक हमारे पास मास है उस ऑब्जेक्ट का, एम ई जो है मास है अर्थ का, और आर ई क्या है आर ई जो है स्क्वायर है, आर ई क्या है रेडियस है, ठीक है। अब क्या है, अब देख लेते हैं अब क्या हुआ है। यहाँ लिखा है बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, क्या उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके वेट के इक्वल होगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका बात का मतलब ये हुआ कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पर रखा हुआ है तो उनका उसका और जो जिसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है जैसे कि अर्थ का, उन दोनों के वेट पे डिपेंड करेगा ना कितनी फोर्स हमें अप्लाई करनी है। जैसे कि अब मैंने जो है आपको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन समझाते हुए एक चेयर की एग्जाम्पल दी थी और कैलकुलेटर की एग्जाम्पल दी थी कि अगर हम कैलकुलेटर को उठाएंगे तो हमें जो है कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं चेयर को उठाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि जो फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो फोर्स यहाँ पर लग रही होती है वो उसके वेट पर डिपेंड करती है, जितना वेट होगा उतनी ही हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कम फोर्स कम वेट होगा तो कम फोर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा हम वो फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो फोर्स है वो इक्वल है उसके वेट के, जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा फोर्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इस फोर्स की जगह W लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल है वेट के, जितना ज़्यादा वेट है उतनी ही फोर्स है। तो मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे इस F की जगह मैं लिख दूँगी W, ठीक है, W इक्वल हो जाएगा जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सही, हमने क्या कर लिया, उस फोर्स की जगह हमने W मतलब वेट लिख दिया, और हमें पता है कि वेट इक्वल होता है एम जी के, ऐसा ही है, मास को जब हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मास वेट आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि इस W की जगह मैं mg लिख सकती हूँ क्योंकि W इक्वल है mg के। तब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे W की जगह क्या लिख दूँगी mg, यहाँ पे आ जाएगा mg इक्वल, बाकी क्या बचा g m m e अपॉन r e स्क्वायर। यहाँ पे m है, यहाँ पे m, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये डिवाइड में आके नीचे आ जाएगा तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाले m से वाले m को यहीं पर मैं जो है इसे कैंसिल आउट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हुआ m m से कैंसिल आउट हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स जो बची हैं वो हम लिख देते हैं, क्या है यहाँ पे रिमेनिंग g, ये स्मॉल g है, कैपिटल g m e अपॉन r e स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें मास ऑफ द अर्थ फाइंड करनी है, मतलब हमें ये एम ई फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके साथ आर ई क्या हो रहा है, आर ई स्क्वायर यहाँ इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा, वहाँ जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर, और यहाँ रिमेनिंग क्या है, यहाँ पर रिमेनिंग है जी एम ई, क्योंकि हमें एम ई फाइंड करना है, जी इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी इक्वल एम ई, आ गया हमारे पास मास ऑफ द अर्थ। तो एम ई मतलब मास ऑफ द अर्थ इक्वल है जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी। देखिए एम ई यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि हमें पता है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर ई क्या है यहाँ पे रेडियस है अर्थ का, और ये भी कांस्टेंट ही, रोज तो चेंज नहीं हो रहा कि आज रेडियस जो है अर्थ का कुछ है, बाद में कुछ होगा, बाद में कुछ होगा, जी नहीं, अर्थ तो एक ही जैसी है ना, ठीक है। तो उसका जो रेडियस है वो भी क्या है कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। और जी यहाँ पे क्या है, जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ना ये चेंज हो रहा है, ना ये चेंज हो रहा है, ना ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, तो एम ई जी हमारे पास कितना है, जी हमारे पास है 9.8। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रेडियस ऑफ द अर्थ को यहाँ पे पुट करेंगे, और रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास कितना है,
वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल है 6.38 एक्सपोनेंट 10^6। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू ये हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन, और जी की क्या वैल्यू होती है, जी इक्वल है 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये वाले फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ ये आ चुका है। इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है एक उसकी मास ऑफ द अर्थ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मास ऑफ द अर्थ का एम ई इक्वल आएगा 5.98 एक्सपोनेंट 24, क्योंकि मास है ना, मास को हम मेजर करते हैं केजी में। ठीक है, ये क्या है, 5.98 है ना, तो 98 को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये 98 राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, हम यहाँ राउंड ऑफ करके कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट 24 केजी, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आ गया है। तो मास ऑफ द अर्थ के लिए हमने क्या किया है, मास ऑफ द अर्थ के लिए हमने क्या किया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को अप्लाई किया। वहाँ पे जो m1 था मतलब मास 1 था, उसकी जगह हमने m पुट किया, जो m2 था वहाँ पे हमने मास ऑफ द अर्थ मतलब me रखा, और रेडियस की जगह हमने re रख दिया। उसके बाद क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा, उतनी ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया कि फोर्स को इक्वल कर दिया है वेट के, मतलब f इक्वल होता है w के। ठीक है, तो हमने यहाँ W रखा, और हमें पता है W मतलब वेट इक्वल होता है mg के, तो वेट की जगह हमने पुट कर दिया है mg। अब ये वाला m और ये वाला m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जो कुछ बचा वो हमने लिख दिया। बस उसके बाद हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया हमें, क्योंकि me फाइंड करना था, r स्क्वायर यहाँ इसके साथ डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और g यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। फिर हमने वैल्यूज़ को आगे पीछे मतलब बराबर में करके लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया। ये हमारे पास आ गया था मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला। फिर हमने क्या किया, इनके अंदर जो है इनकी जो कांस्टेंट वैल्यू थी हमने उनको पुट कर दिया, जी की जगह जी की वैल्यू, आर ई की जगह रेडियस का रेडियस की वैल्यू रखी, और जी की वैल्यू को पुट कर दी। यहाँ पर जो स्मॉल जी है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो कैपिटल जी है वो है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और इन दोनों की वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, और इन पर जो है डिफरेंसेज भी पेपर में आ सकते हैं कि राइट डाउन द डिफरेंसेज बिटवीन द जी एंड जी। तो हम वहाँ पे पहला पॉइंट तो हम यही लिख देंगे कि इट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड पॉइंट ये आएगा कि इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड इसका क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट इट्स वैल्यू इज 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों के दरमियान जो है हम डिफरेंसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब इन पे हमने वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी किया, तो आंसर आया हमारे पास 5.98, और फिर हमने क्या किया, उस 98 को राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ करने के बाद आंसर क्या आया है, 6 एक्सपोनेंट 24 केजी, और ये हमारे पास है मास ऑफ द अर्थ। और ये कितना है हम ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे है 6 एक्सपोनेंट 24, इसका मतलब ये होता है कि 6 के बाद 24 टाइम्स 0। हम भी तो देखें ना कि अर्थ हमारी, उसका जो अर्थ है उसका मास कितना है, देखें 6 है उसके बाद लिखा है 24, इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kg। ये देखें, इतना है हमारी अर्थ का मास। ये जो एक्सपोनेंट में हमने लिखा है ना, इसका मतलब यही होता है कि आप देख सकते हैं, आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते ये कितना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, इतना सारा। ठीक है, तो ये क्या है, इतना है हमारी अर्थ का मास, जो कि कितना है, 6 एक्सपोनेंट 24 kg। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।